पिंजरे के अंदर रह रहा था। वो बहुत परेशान हो रहा था। एक दिन वो पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया और वो तोता बाहर निकलकर जंगल की ओर चल रहा था। तो उसको वो तोते को जंगल का वातावरण बहुत पसंद आया। वो नाचता था, कूदता था, सब कुछ करता था। वो रोज 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 मीठे मीठे फल खाता था। एक दिन वो पेड़ पे बैठा था और उसने देखा कि बड़ा सा पेड़ था और उसके नीचे बड़ा सा हाथी सो रहा था। वो तोते ने सोचा, चलो मैं हाथी को परेशान करता हूँ। तो वो तोता जड़ से नीचे आ गया और उसको चुभने लगा। तो हाथी जाग गया और वो तोता फिर से ऊपर बैठ गया। तो हाथी बोला, अरे क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तो तोता बोला, अरे मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। वो हाथी फिर से सो गया। तो तोता फिर से आके उसको चुभने लगा। तो हाथी जाग गया और वो तोता फिर से ऊपर बैठ गया। वो हाथी ने सोचा, चल मैं चला जाता हूँ। वो चला गया। वो हाथी बोला, मुझे ये तोते का मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो हाथी ने तालाब में बैठ गया और उसने अपनी सूंड में पानी भर रखा था। उसको पता था कि तोता आएगा और मेरी मुझे चुभेगा। तो वो तोता उसको फिर से चुभने लगा। वो जैसे ही चुभने गया, हाथी ने अपनी सूंड बाहर निकाली और पानी सब तोते पे छिड़क दिया और वो तोता पानी में गिर गया। वो तोता जान के लिए तड़प रहा था। ये हाथी ने दया करके उसको पानी से बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मजा करने का एक हद होता है, उसे जानकर व्यवहार करो। अगर तुम दूसरों का आदर चाहते हो तो पहले दूसरों का आदर करो। थैंक यू।